लेकिन विजय सरदाना जी से समझना चाहता हूं, विजय सरदाना सर कितना ग्लूमी दिखाई दे रहा है आने वाले दिनों में एटमॉस्फेयर, या ये अंदेशे हैं छट जाएंगे? देखिए, सबसे पहले तो हमें समझना होगा कि फर्स्ट इंपैक्ट जो आएगा वो यूरोप में आएगा, क्योंकि यूरोप की डिपेंडेंसी रशिया पे है, रशियन फ्यूल पे है, और वहाँ पे अगर कोई क्राइसिस आता है जो ऑलरेडी चल रहा है, और अगर रशिया ने अपने गैस पाइपलाइंस के टैप बंद कर दिए, तो यूरोप की जो सबसे बड़ी इकोनॉमी है जर्मनी, वहाँ क्राइसिस आएगा, और जितने भी लैंडलॉक्ड कंट्रीज हैं यूरोप के, उनके लिए सबसे बड़ी आर्थिक चुनौतियाँ आने वाली हैं। अगर हम देखें यूरोप का जो क्राइसिस है, अमेरिकन अर्थव्यवस्था और बहुत सारी चाइना की अर्थव्यवस्था, यूरोप उनके लिए बाजार है। अगर यूरोप में परचेजिंग पावर ख़त्म होती है बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन, तो प्रॉब्लम आता है सारी सप्लाई साइड में, चाइना और अमेरिका दोनों को लेके। इसका असर ये होगा कि बहुत सारी कंपनियों में कंसोलिडेशन होगा, मर्जर्स एक्विजिशन होंगे, क्योंकि एसेट वैल्यू काफ़ी हद तक गिरेगी, और जब मर्जर एक्विजिशन होंगे तो बहुत बड़ा अनएम्प्लॉयमेंट का खतरा सामने आएगा, और उसके साथ जो ग्लोबल टाइअप्स हैं, जो अरेंजमेंट्स हैं, उसमें उसका फर्क आपको देखने को मिलेगा। ग्लोबली अरेंजमेंट्स में इसका फर्क दिखाई देगा, जो अहम फैक्टर्स हैं वो गिनाए गए, लेकिन इसको आगे लेकर चलते हैं, अमिताभ सर के पास जाऊं। उससे पहले ये जो बात कही जा रही है कि जिस तरीके से तमाम देशों के केंद्रीय बैंकों ने यह फैसला कर लिया है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ाए जाएं, यही फिलहाल महंगाई से निपटने का जरिया हो सकता है, मंदी इसको इनवेरिएबली सामने लाकर रहेगी, क्या यही बात दिखाई दे रही, यही एक बात जिम्मेदार है, और क्या ये ऐसा है जैसे हम सामने शेर को आते हुए देख रहे हैं लेकिन कुछ कर नहीं सकते? अमिताभ सर, देखिए, इसमें दो तीन चीज़ें बहुत मूलभूत हैं जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध के हिसाब से मैं बताऊं। पहला है कि जो इन्फ्लेशन है वो अनकंट्रोल्ड होता जा रहा है। टेक फॉर एग्जांपल, अगर आप टर्की का एग्जांपल लें, वहाँ इन्फ्लेशन 70% से ज़्यादा है, लेकिन ग्रोथ भी 10% के अराउंड है। चीन को अगर आप ले लें, चीन में प्रॉपर्टी क्राइसिस आ गया है और वो इमिनेंट है, वहाँ का जो जीरो कोविड पॉलिसी है उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। तो चीन के प्रॉपर्टी प्राइसेस अगर क्रैश करते हैं, पूरे वर्ल्ड मार्केट पे असर होगा। तुर्की उसको एम्फसाइज अभी नहीं किया जा रहा है, क्योंकि तो पूरे दुनिया में इसका धीरे ना धीरे असर दिख रहा है। हिंदुस्तान अभी तक हमारा देश बचा हुआ है, उसका सिर्फ यही कारण है कि हमें चीप ऑयल अभी भी अवेलेबल है। जिस समय स्क्रूज टाइट होंगे और चीप ऑयल की अवेलेबिलिटी, बैंकिंग ऑपरेशंस को डिसरप्ट किया जाएगा वेस्टर्न पावर द्वारा, तब हमें भी उसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। क्या इसके पीछे सिर्फ चीप ऑयल एक बड़ा फैक्टर है सर, या ये जो कहा जा रहा है कि हिंदुस्तान में कंपैरेटिवली फंडामेंटल्स स्ट्रांग हैं और यहाँ इतनी बड़ी आबादी है कि कंजम्पशन के लिहाज से आप आश्वस्त और निश्चिंत हो सकते हैं, ये एक बड़ी वजह है, ये भी जरा समझेंगे।